Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज सिरोही जिले में पहुंचे। इस दौरान उनका वहां के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। सचिन पायलट ने इस अवसर पर स्वागत के साथ ही पत्रकारों से बात करते हुए यह भी कहा कि हम अपील करते हैं कि राहुल गांधी अपना इस्तीफा वापस लें। उन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर जो कहा वो इस तरह से उन्होंने पेश किया कि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं उन चुनावों के अंदर जो है हम जीत हासिल करें। उन सब की समीक्षा की बात उन्होंने कही। वहीं दूसरी ओर अगर हार की बात की जाए, जिस तरह की रिपोर्ट उन्हें पेश करनी है उसको लेकर सचिन पायलट का रुख साफ है कि किसी भी तरह जो है हम चाहते हैं कि जिस तरह का जो हमने अब काम किया है, चुनाव के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस जो है मजबूत और विकास की ओर देख रही है। अब देखना होगा कि सचिन का विकास जो है राजस्थान की जनता को किस तरह भाता है। मीटिंग कर आग्रह किया है राहुल गांधी जी से कि जो अस्तीफे की पेशकश उन्होंने कार्य समिति को करी थी पिछले माह उसको वापस लें और जो भी संगठनात्मक बदलाव, सरकार में बदलाव, जो भी राहुल गांधी जी करना चाहते हैं, हमने एक लाइन का प्रस्ताव पार करके उनको अधिकृत किया है कि जहां भी आप संगठन में, देश भर में, प्रदेश में जो बदलाव करना चाहें, सरकार में, पार्टी में, जो भी आप चेंज करना चाहें, हमने उनको अधिकृत किया है और अपना इस्तीफा वापस लेकर वो दोबारा अपना पद और जिम्मेदारी संभालें, ये हमने आग्रह पी सी से निकाला। लोकसभा के अब नगर निकाय के चुनाव आएंगे बहुत जल्द, विधानसभा के दो बाई इलेक्शंस भी राजस्थान में होंगे, तो हम लोगों ने संगठन के स्तर पर तमाम तैयारियां चालू कर दी हैं। सब नेताओं से हम चर्चा कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले रहे हैं और संगठन को चुनाव जीतने के लिए जो कुछ भी करना है उसको मैं और हमारे तमाम साथी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं उसको बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। दोनों काम बढ़िया तरीके से चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं लोकसभा के, अब नगर निकाय के चुनाव आएंगे बहुत जल्द, विधानसभा के दो बाई इलेक्शंस भी राजस्थान में होंगे, तो हम लोगों ने संगठन के स्तर पर तमाम तैयारियां चालू कर दी हैं। सब नेताओं से हम चर्चा कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले रहे हैं और संगठन को चुनाव जीतने के लिए जो कुछ भी करना है उसको मैं और हमारे तमाम साथी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं उसको बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। दोनों काम बढ़िया तरीके से, देखिए चुनाव ये अलग किस्म का चुनाव था लोकसभा के और इसका अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, उसका दिल्ली में बैठकर AICC मंथन भी करेगी, समीक्षा भी हम लोग करेंगे चुनावों की, लेकिन काम रुकता नहीं है, संगठन का काम 24 घंटे चलता है और अभी उपचुनाव आने वाले हैं नगर पालिकाओं के, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पब्लिक का जो सेंटिमेंट है पूरे देश भर में उसका कांग्रेस पार्टी एक दिल्ली के लेवल पर बैठ के चर्चा करेगी और जो जो उसमें करेक्टिव स्टेप्स हमको लेने हैं उसको हमारी पार्टी लेगी। सर भर्तियों को लेकर चुनाव है उस पर क्या असर मानते? देखिए चुनाव ये अलग किस्म का चुनाव था लोकसभा के और इसका अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, उसका दिल्ली में बैठकर AICC मंथन भी करेगी, समीक्षा भी हम लोग करेंगे चुनावों की, लेकिन काम रुकता नहीं है, संगठन का काम 24 घंटे चलता है और अभी उपचुनाव आने वाले हैं नगर पालिकाओं के, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पब्लिक का जो सेंटिमेंट है पूरे देश भर में उसका कांग्रेस पार्टी एक दिल्ली के लेवल पर बैठ के चर्चा करेगी और जो जो उसमें करेक्टिव स्टेप्स हमको लेने हैं उसको हमारी पार्टी लेगी। सर भर्तियों को लेकर हम बना रहे हैं रिपोर्ट, मैं भी बनाऊंगा पार्टी के, और जहां जहां हमें कमियां दिखेंगी उस सही समय पर सही व्यक्तियों का जहां उपयोग किया जाएगा, बदलाव भी होगा, वो सारी समीक्षा करने के बाद हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं। सर आपका केंद्रीय नेतृत्व। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन।